सो ही गाइज, अगेन स्वागत है आप सभी का एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइज देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कहना चाहूँगा, मैंने जो अपने टेलीग्राम चैनल पे BOC न्यूज़ पे एक श्योर शॉट दी थी, मैंने आप सभी को कमिटमेंट किया था कि मैं BOC न्यूज़ पे श्योर शॉट, एक श्योर शॉट आने वाला है। उस श्योर शॉट को आप सभी ने जो है यूज़ करके प्रॉफिट बहुत अच्छा बनाया है। आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन शॉट वीडियो जो इसके रिकॉर्डिंग वीडियो अपने टेलीग्राम के यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने कल ही मैंने NFP पे भी ट्रेड किया था, आप सभी जानते हैं NFP का जो है लाइव सेशन हमारा कंटिन्यू, हमने जो है दोनों की दोनों न्यूज़ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप सभी को बना के दिया है। सो मैं गाइज आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे लाइव चीज़ें होती हैं सारी की सारी एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। हम आपको कभी भी कोई फेक चीज़ बताने का या फेक चीज़ करने के लिए कभी नहीं बोलते, ठीक है। तो जाओ सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, आप सभी गाइज वहाँ पे बहुत ही चीज़ें मिस कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप सभी जो है ऐसी चीज़ें मिस करें, तो फटाफट जाके सबसे पहले गाइज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ओके। देन गाइज अगर आपका जो है क्यूटेस पे अकाउंट नहीं है, तो क्यूटेस का भी लिंक मैंने दे दिया है, क्यूटेक्स पे भी जाके आप जो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जो आप ये यहाँ पे ट्रेड देख रहे हैं, ये ट्रेड मैंने जो है NFP पे ही जो है की हुई है, यूरो USD पे, ओके। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि 7 बजे का चार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, जो 7 बजे एक्चुअल में हुआ था, ठीक है। जो 7 बजे जो हुआ था मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 19 बजे यानी हमने जो न्यूज़ थी NFP पे दिखा देता हूँ आपको, मार्केट गया तो गया कहाँ, ठीक है। 19 बजे की कैंडल मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, निकल चुकी है, ओके। हमने यूरो GBP पे देख रहे हैं, एक्चुअल में होने वाला था यूरो USD पे, तो मैं यूरो USD पे आ गया हूँ। यूरो USD के मार्केट पे सारा का सारा जो है मार्केट यहाँ पे मोमेंटम दिखाता है, तो मैं फटाफट जो है 19 बजे की कैंडल पे आपको ले जाने की कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा कि वहाँ पे हुआ क्या था। सो गाइज ये रही आप सभी के सामने 19 बजे यानी 7 बजे की कैंडल, जो 7 बजे हमारी न्यूज़ थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं गाइज मार्केट किस मोमेंटम के साथ कहाँ पे क्लोज हुआ है, है ना। तो ये हमारी गाइज 100% श्योर शॉट थी। आप यहाँ पे टेलीग्राम का साइड में मैं वीडियो चला रहा हूँ, जो हमने दिया था इसी कैंडल पे हमने जो है ये ट्रेड दिया था, ठीक है। ये मोमेंटम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। सो गाइज हम जो चीज़ आप सभी को बताते हैं कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे आप कीजिए, और हम गाइज आप सभी से यही बोलते हैं कि अगर आप जो प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, आप जो है 100% छोड़िए, 1000% तक आप जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इजीली जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका जो है क्यूटस पे अकाउंट नहीं है, तो क्यूटस पे भी आप जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली गाइज यहाँ पे मैं क्या यूज़ करके कैसे गाइज ट्रेड वगैरह करके दिखाने वाला हूँ, या कैसे यू नो कह सकते हैं हम प्रॉफिट बना सकते हैं, सारा कुछ गाइज इस वीडियो में डेटाबेस एनालिसिस रहने वाला है। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए गाइज मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके या फिर किसी भी चीज़ को यूज़ करके इस ग्राफ पे तो नहीं समझ सकता कि मार्केट कहाँ जाने वाला, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू में एनालिसिस करके, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बारी बारी करके मेरा एक इंडिकेटर है, ठीक है, मैंने ये लगाया हुआ है, ये मुझे डायरेक्टली गाइज ऑटोमेटिकली दिखाता है कि भैया ट्रेंड लाइन कहाँ से कहाँ आपको ड्रॉ करनी है, और उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैं जो है अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता रहता हूँ। सो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मार्केट कुछ इस तरह से मोमेंटम शिफ्ट जो है कर रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट चार्ट पे देखता हूँ कि GBP USD पे क्या चल रहा है, कुछ मोमेंटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। USD GPY पे भी देख लेता हूँ, उसके बाद BTC USD पे कुछ नहीं है, एंथर USD पे कुछ भी नहीं चल रहा है, ओके। बाकी का हमें प्रीवियस में ही जाना पड़ेगा, खैर क्योंकि इसके बाद तो उतनी ज़्यादा चार्ट्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए ऊपर की साइड से एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ है डाउन के लिए, कोई दिक्कत नहीं, हम और वापस से अपने GBP USD के चार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे गाइज देखेंगे कि मार्केट में क्या एक्चुअल में पोजीशन अभी बनाई हुई है। खैर ऊपर की साइड से मैं यहाँ पे जो ब्रेक किया था दोनों लाइंस को, इसके बाद मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल जो है मार्केट में दिखाया है, और यहाँ से गाइड कंटिन्यूसली मार्केट जो है डाउन की तरफ ही गिरा हुआ है। हमें देख लीजिए अब यहाँ पे समझना क्या है इस ट्रेंड लाइन में, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। देखिए गाइज आपको दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है, एक तो गाइज ये बी अगर ऊपर की साइड से यानी ऊपर की साइड से बन जाता है, यानी इस साइड पे पोजीशन पे रेड कलर लेके बन जाता है, तो आपको समझना ये है कि मार्केट अब यहाँ से डाउन जाने वाला है। आपको एक इंडिकेशन मिल गया, एक ट्रेड आपको मिल गई है यहाँ पे श्योर शॉट, तो आपको यहाँ पे डाउन के लिए प्रेस कर लेनी है 1 से 2 मिनट की, ठीक है। और वहीं अगर ये ग्रीन आपको मिल जाए, ग्रीन भी मिल जाए, तो आप समझ लीजिए यहाँ से मार्केट अपवर्ड मूव करने वाला है, यहाँ से आप जो है अपवर्ड के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, ओके। तो इसका फंडा सिंपल सा ये है, ओके। वहीं अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया ग्रीन एंड रेड, ठीक है, इनका आपको जो है कॉम्बिनेशन मिला के चल, लेकिन अब गाइस सेकंड क्या है, मान लो गाइस इस दोनों ट्रेंड लाइन को, ग्रीन वाली को, रेड लाइन को मान लो क्रॉस करके मार्केट डाउन गिरा है, कंटिन्यू दो कैंडल रेड बना दी है, तो मार्केट 101% मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है। ये दो मैं सिर्फ साइकोलॉजी बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। ट्रेंड लाइन का फंडा कुछ और ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं, मैं वो आप सभी को मेन पॉइंट बता रहा हूँ, मेन जरिया बता रहा हूँ कि आपको
क्या चीज़ फॉलो करके आप जो है ट्रेड मार्केट में कर सकते हैं और आपको मुनाफा होगा, ठीक है। सो मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, वहीं पे वही सिचुएशन है, यहाँ पे भी सेम है, मार्केट ने डाउन मूव किया लेकिन यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे आप देखें तो ये लेवल था, ठीक है, ये लेवल था, यहाँ से मार्केट डाउन नहीं जा पाया तो यहाँ से मार्केट ने फिर सस्टेन किया, दोनों लाइन को क्रॉस अप करके यहाँ पे दो कैंडल बन गई थी अपवर्ड के लिए और मार्केट देख लीजिए कहाँ तक गया, इस लेवल तक गया, ठीक है। यहाँ से फिर अगेन ट्रेल लाइन थी और यहाँ पे देख लीजिए इंडिकेशन आ गया डाउन का, तो अभी तक मार्केट में डाउन मूव किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में देनी होती हैं। आप गाइस देखो, आप सभी जानते हैं कि ट्रेंड लाइन मार्केट में कब बनती है और कैसे कैसे क्या आपको वहाँ पे उसको फॉलो करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इनको जो है मार्केट जो है ऊपर मूव किया है, इसको मैं थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ बिकॉज मुझे अच्छे से दिखना लगेगा और मैं आप सभी को ठीक तरीके समझाता चलूँगा, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ हाई लेवल पे। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इजिली कि आपको ट्रेंड लाइन जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझ में आ रही है, ट्रेंड लाइन का आखिरकार गाइस यूज़ क्या होने वाला है, ठीक है। मान लो जहाँ पे कोई सपोर्ट टच हो रहा है, मार्केट के लेवल्स को टच हो रहे हैं, जैसे ये वाला लेवल है मार्केट का, इस लेवल को टच करके मार्केट ने जो है अपवर्ड गया, यहाँ से अपवर्ड गया, मूव हुआ मार्केट, लेकिन अपवर्ड जो है कहाँ तक गया, इस लेवल तक, यानी ऊपर के इस लेवल तक टच गया, ठीक है, नहीं इस वाले लेवल से इस लेवल तक गया, ठीक है। और यहाँ से मार्केट डाउन आया यहाँ तक इस लेवल तक, क्योंकि गाइस यहाँ पे रेड लाइन भी थी और ऊपर की साइड से ये वाली ट्रेंड लाइन थी, ये वाली लाइन भी थी, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस अप करके मार्केट अगेन ऊपर गया, ठीक है। ट्रेंड लाइन का गाइस सिंपल सा फंडा ये होता है कि मार्केट के जो रेजिस्टेंस हैं और सपोर्ट हैं और जो लोज हैं, और सबसे मेन चीज़ होती है गाइस हायर हाई और लोअर लो, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन हमारे लोअर लो और हायर हाई को टच करता है, ठीक है, उसी हायर हाई और लोअर लो को गाइस हमें यूज़ करके ट्रेड वगैरह यहाँ पे करनी होती है, ठीक है। तो हमारी ये हम जो है होपफुली समझ गए हैं। अगर आपको कोई चीज़ अगर अभी तक आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ हो तो अब ईजिली जाकर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी गाइस हमें क्या मोमेंटम मिल रहा है मार्केट से, हमें अभी जो है न्यूज़ के हिसाब से कह सकते हैं या फिर जो मूवमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है भैया मार्केट जो है डाउन गिरेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा हम भैया जाएंगे यहाँ पे अपने क्यूटेक्स के लाइव चार्ट पे, ओके, और यहाँ पे करेंगे सबसे पहले GBP USD को सेलेक्ट भी, ठीक है, क्योंकि हमें बारी बारी करके यहाँ पे सारी की सारी करेंसी यहाँ पे सबसे पहले तो रखनी पड़ेगी, ठीक है। रात के जो है लगभग कह सकते हैं गाइस 10 बजे ये वीडियो शूट हो रही है, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो शो भी कर सकते हैं, ठीक है, दिख भी रहा है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना टाइमिंग जो है सेलेक्ट करेंगे, हम कितनी टाइम की जो है ट्रेड यहाँ पे करने वाले हैं, बिकॉज मुझे यहाँ से लग रहा है गाइस एक लेवल है नीचे और यहाँ से मार्केट को डाउन नहीं जाना चाहिए। जिस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट डाउन आता है, फिर दो कैंडल के ऊपर जाता है, फिर डाउन आता है, फिर तीन कैंडल के ऊपर जाता है, ऐसे ही गाइस यहाँ पे होने वाला। तो मैंने यहाँ पे अपनी जो है 1.5 लाख कह सकते हैं चार ट्रेड, हाँ 2 लाख रुपये मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए हैं। बहुत बड़ा रिस्क है ये, ठीक है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्यों ये रिस्क लिया, आप सभी जानते हैं थोड़े टाइम के लिए मार्केट ऊपर जा रहा है फिर अगेन डाउन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दो कैंडल्स ऊपर बननी चाहिए, थर्ड वाली डाउन आ सकती है इसीलिए। और ऊपर की साइड अगर आप जो है ट्रेडिंग व्यू पे देखें तो ट्रेंड लाइन भी हमें वही चीज़ दिखा रही है, और नीचे की साइड यहाँ पे आप आएँ तो ये वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल यहाँ पे ये हमारा सीधा का सीधा यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है, टच हो रहा है। तो इतना हाई लेवल को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा मार्केट तो ऊपर सस्टेन करेगा, थोड़े टाइम के लिए मूव ऊपर की साइड करेगा, फिर जाके डाउन गिर सकता है, ठीक है। सो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जो है अपनी ट्रेड को यहाँ पे 3 मिनट का अपवर्ड डायरेक्शन लगाया हुआ है। बाकी का आप सभी यहां पे देख ही पा रहे हैं कि मैंने लगभग जो है 2 लाख रुपए यहां पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। मेरी ये जो है ट्रेड है ये लगभग गाइस NFP के बाद है, NFP से पहले मैंने कोई ट्रेड नहीं की थी पूरे दिन में, और NFP के बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं की थी, ठीक है, अपने लाइव मार्केट में, ओके। और उसके बाद जो आप देख सकते हैं अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तभी मैंने यहां पे ये ट्रेड को प्रेस किया है, ठीक है। मेरे पास लगभग जो है 1 मिनट 52 सेकंड का टाइम बचा हुआ है। गाइस मैं हमेशा कोशिश करता हूं अपने वीडियोस में कि आप सभी को कंफर्म नॉलेज दे पाऊं, मेरा हर वक्त जो है मोटिव यही रहता है कि आप सभी को सही से सही नॉलेज जो है आप सभी तक पहुंचाऊं, ठीक है। और गाइज आप सभी को पता है कि विड्रॉल ऑप्शन में अब जो है UPI का ऑप्शन भी आ चुका है, तो आप इजीली UPI यूज़ कर सकते हैं, डिपॉजिट का मेथड भी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, इजीली गाइज आप इन्वेस्ट कीजिए, इजीली जो है आप अर्न वगैरह कीजिए, मनी जो है ठीक ठाक अर्न कीजिए, आपको गाइज जरूर गाइज यहाँ पे प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। सो गाइज ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने आप सभी को बोला था कि साइकोलॉजी किस तरह से वर्क कर रही है आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 3 कैंडल डाउन बन रही है तो 2 कैंडल अपआउट बनेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा हल्का मार्केट जो है सस्टेन करेगा डाउन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है ट्रेडिंग व्यू को इजिली एनालिसिस करें। अभी गाइज मेरा स्टूडियो जो है प्रॉपरली तरीके से बनने वाला है, तो वहाँ पे मैं आप सभी को चीज़ें बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सस्टेन कराऊंगा, वहाँ पे अच्छे अच्छे क्लियर तरीके से आप सभी को समझाऊंगा कि भैया वो चीज़ें होने क्या वाली हैं एक्चुअल में। क्योंकि गाइज देखो,
जब तक आप खुद नहीं समझोगे, जब तक आप खुद नहीं संभलोगे, तब तक तो देखो गाइस जैसे मार्केट में ऐसा है नहीं कि आपको मुनाफा ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाए। सारे के सारे लेवल्स झूठे तो नहीं हो सकते, ठीक है, लेवल्स को आपको खुद समझना पड़ेगा। बाकी स्ट्रैटेजीज गाइस कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इंडिकेटर हमारे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू बैक टू बैक मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ही बनाया है, ठीक है। आज का दिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई ट्रेड नहीं, सारी की सारी ट्रेड जो अपवर्ड डायरेक्शन में है यहाँ पे देख सकते हैं। आज का दिन है हमारा ये 10 मार्च का दिन है, ठीक है। तो आज के टाइम जब देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रेड हमने जो है जबरदस्ती है प्रॉफिट करी है, फिर कुछ ऐसा एनालिसिस किया है। भैया हमने आपको प्रॉपर पहले ही बता दिया था कि मार्केट कहाँ मूव हो सकता है, उसी चीज़ को फॉलो करके हम अभी भी जो है प्रॉफिट में अभी भी जो है मार्केट में प्रॉफिट बनाए हुए हैं। लगभग 5 सेकंड का टाइम बचा है, इजिली गाइज हम इस ट्रेड में प्रॉफिट जो है बनाने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज हमने लगभग जो है 1,76,000 का प्रॉफिट यहाँ पे आप सभी के सामने लाइव जो है जनरेट कर लिया है। विद इन गाइज 3 मिनट में हमने ये प्रॉफिट जो है जनरेट किया है। अभी भी गाइज हम थोड़ी ट्रेड वगैरह प्रेस अप करेंगे जहां से हमें मोमेंटम मिलेगा। देखो गाइज मार्केट शिफ्ट तो है डाउन के लिए, तो हम यहाँ पे अगेन 3 मिनट की ट्रेड करेंगे डाउन के लिए। मोमेंटम गाइज डाउन का है तो हम जो है डाउन पे ही 2,00,000 रुपए हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, क्योंकि गाइज हमें लग रहा है कि मार्केट जो है वही वाला सेफ लेके यहाँ पे फिर से अगेन डाउन आएगा। ओके तो गाइज फाइनली यहाँ पे देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे स्किप किया था, 1 मिनट का जो कैंडल था जो ऊपर की साइड सस्टेन हो रहा था, और यहाँ पे गाइज कंटिन्यू आप देख सकते हैं मार्केट अगेन जो है डाउन फ्लो में आने की कगार पे है। सेम गाइज वही सिचुएशन मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल था ये टच हो रहा था, यहाँ से मार्केट जो है अगेन 2 कैंडल के लिए मूव करेगा अपवर्ड के लिए, लेकिन वहाँ से मार्केट अगेन जो है 3 कैंडल के साथ जो है डाउन गिरा है। मैं उसी चीज़ का फायदा उठा रहा हूँ, मार्केट के अब जो है मोमेंटम को समझिए। मैंने यहाँ से मार्केट को समझ लिया था, आप अगर यहाँ से भी एनालिसिस करें तो यहाँ से भी सेम वही सिचुएशन है। देख लीजिए यहाँ से 2 कैंडल अपवर्ड के लिए बनी, 2 डाउन के लिए, फिर अपवर्ड के लिए बनी, फिर डाउन के लिए बनी, ठीक है 3 कैंडल, उसके बाद 3 कैंडल फिर अपवर्ड के लिए बनी, फिर उसके बाद 4 कैंडल डाउन के लिए बनी, उसके बाद फिर अपवर्ड फिर डाउन, ठीक है वही सिचुएशन चल रही है। क्यों? यहाँ पे हायर हाई ये लोअर लो हो गया, ये अगेन हायर हाई ये अगेन लोअर लो, ठीक है। तो ऐसा मार्केट अभी चल रहा है, आपको प्रीवियस में जो मार्केट का सस्टेन कर रहा है आपको उन चीज़ों को समझना है। आपने इन चीज़ों को समझ लिया मार्केट में इजिली गाइज जेन्युइन तरीके से प्रॉफिट आप बना सकते हैं। कोई यहाँ पे लोड लेने का काम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं कि भैया आपको जो है मार्केट में कोई प्रॉफिट बनाने से रोक रहा है या फिर आपको लॉस हो रहा है। यहाँ पे ऐसे अगर आप काम करोगे तो गाइज मैं गारंटी देता हूँ आपको कभी लॉसेस के चांसेस तो मुझे नहीं लगता देखने को मिलने वाले हैं। बिकॉज गाइज ये एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, वो यही चीज़ें होती हैं सारी की सारी, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस जिसे बोलते हैं लोग वो यही होता है। फंडामेंटल क्या होता है गाइज, आपको पूरे के पूरे फंड को मैनेजमेंट करके आपको देखना पड़ता है कंपनी के आगे पीछे, भाई यूरो यूएसडी में 1 साल पहले क्या हो रहा है, 10 मिनट पहले क्या हो रहा है, 20 मिनट पहले क्या हो रहा है, ये सारा चीज़ें अगर आप एनालिसिस करते हो उसे बोलते हैं फंडामेंटल, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। बाकी गाइज आपको ऐसे चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि अगर आप जो है चार्ट देखना आपको आता है तो गाइज देखो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी लगभग मेरे पास 8 सेकंड का टाइम बचा है, जिस पॉइंट पे मैंने ट्रेड गाइज अपनी प्रेस की थी उस पॉइंट के बाद से कंटिन्यू मार्केट जो है डाउन गया है। ज्यादातर गाइज आप सभी ने देखा मेरे लेटेस्ट जो वीडियो रही हैं, जो रिसेंटली जितनी सारी वीडियोस रही हैं उन सभी में गाइज आप सभी ने देखा है कि मेरी जो है 100% की ही एक्यूरेसी रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं गाइज, आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, आपको जरूर गाइज प्रॉफिट होगा। उम्मीद है गाइज आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, ठीक है। गाइज अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को फटाफट जाके ज्वाइन कर लो, बिकॉज लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है। न्यूज़ से रिगार्डिंग काफ़ी सारी क्वेरीज रही हैं लोगों की, जो कि मैं आप सभी के वहाँ पे रूल्स वगैरह सॉर्ट आउट वगैरह कर रहा हूँ। और रिसेंटली गाइज जल्द से जल्द मैं जो टूर्नामेंट लेके आने वाला हूँ, और गाइज वो 100% ऐसा टूर्नामेंट रहने वाला है, मतलब यू नो कह सकते हो रिस्क फ्री टूर्नामेंट, ठीक है। मैं अगेन गाइज रिस्क फ्री टूर्नामेंट लेके आने वाला हूँ, तो गाइज उसमें भी अब जो है पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइज, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होगी इस चीज से, और गाइज ये हमारा 100% जेन्युइनली प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। सो ये सारी चीजें रहने वाली है, बिकॉज गाइज उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे क्या क्या मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है। बाकी गाइज मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइज।